लेट्स अदर चैप्टर नंबर सेकेंड पार्ट टू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी एंड द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रेडियो नॉइज मेकर्स. फ्यू हैड थॉट इट विल बी वन डे बी रिवाइव्ड. अब देखिए, जो एम्पायर औरंगजेब थे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन करवा दिया था जिसका नाम पुंगी था. रॉयल रेजिडेंस यानी कि जो रॉयल घराने में उन्होंने इस क्या किया था, जो अमीर अमीर लोग होते हैं, जो राजा हो गए रानी हो गए, तो उनके रेजिडेंस में इन्होंने क्या कर दिया, इस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया. अब इसका रीज़न ये था कि इसके अंदर जो आवाज़ें जब इससे निकलती थी ना, कोई भी इसको बजाता तो इसकी आवाज़ें बहुत श्रिल होती थी, अनप्लेजेंट होती थी, यानी कि जो हमारे कानों को ना ये साउंड्स अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा औरंगजेब मानते थे. और बहुत लोगों ने इसको कहा, एक्सेप्ट किया, इन्होंने क्या किया, ये बैन हो गया उसके बाद से. मतलब औरंगजेब ने इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया और उन्होंने बैन कर दिया. अब इसके लिए ना एक जेनरिक नेम बन गया, मतलब अगर कहीं भी आप इसको बजाओ तो लोग इसको कहेंगे अरे इसको मत बजाओ क्योंकि एक रेडियो नॉइज़ मेकर है. अब इसके लिए लोग इसको जाने लगे क्योंकि इसका जो साउंड था ना बिल्कुल अनप्लेजेंट था, प्लेजेंट बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अजीब से साउंड जैसे निकलती थी जो लोगों के कान को प्लेजेंट नहीं करती थी. मतलब कह सकते हैं कि इसके जो साउंड्स थे लोगों को पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा आवाज़ बनाता था ये इंस्ट्रूमेंट, इसलिए लोगों ने इसको बैन कर दिया. एंड औरंगजेब ने इसको फाइनल डिसीजन दिया कि अभी इंस्ट्रूमेंट को कोई भी नहीं बचाएगा. अब कुछ लोगों ने सोचा कि अरे एक दिन क्या होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है फिर से रिवाइव हो जाएगा, यानी कि लोग फिर से इसको बजाने लग जाएंगे. अब एक बार होती है एक फैमिली होती है जिसमें मतलब कि पूरे लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल म्यूजिशियन होती है. मतलब कि एक नाई का फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं, कोई ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो कोई उस इंस्ट्रूमेंट में बजा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या करते हैं लोग, प्रोफेशनल होते हैं. अब बात करें तो उनके पास एक एक्सेस था कि वो रॉयल प्लेस में जा सके, रॉयल पैलेस में जा सके. जो अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं जो अमीर लोगों के पास होता है ना, वो प्लेस में उनके पास जगह थी उस पैलेस में जाने के लिए. अब वो डिसाइड करते एक दिन कि क्या करेंगे, टोनल क्वालिटी यानी कि जो पूंगी है उसका जो टोनल क्वालिटी, मतलब कि जो बजने का क्वालिटी, जो लोग जैसे लोग बोलते हैं किसी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो डिसाइड करते कि इनको हम चेंज कर देंगे. अब वो क्या करते हैं, एक नेचुरल हॉलो स्टीम को लेते हैं, यानी कि जो नेचर से जो प्राप्त हुई जो पाइप होती है उसको लेते हैं, उनके उसके अंदर वो क्या करते हैं, 7 होल्स को बना देते हैं उसके बॉडी पर. जो स्टीम होती है ना, आपने देखा होगा, उस पर 7 होल्स बना देते हैं. एंड नाउ अब जब वो प्ले करते हैं ना, तो जैसे कि उसमें 7 होल्स है तो आप 1 होल्स पे हाथ रखो, 2 होल्स पे हाथ रख के आप बजाओ, तो उसमें जब उसको बजाओ करते तो उसके जो साउंड्स हैं ना बहुत सॉफ्ट होंगे, बहुत उनकी जो उसके साउंड्स निकलेंगे ना वो बहुत मेलोडियस होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड्स, मतलब कि जो उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाया है. नाउ He played the instrument before loyalty and everyone was impressed. बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, इस instrument को ना पहले ना कि जो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में या उनके रॉयल प्ले पैलेस में नहीं बजाकर, पहले उन लोगों ने लोकल लोग जो होते हैं ना उनको इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट को बजाकर बताया, एंड मतलब कि समझाया बताया कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया इस तरीके से. तो लोग जितने भी लोग थे ना बहुत इंप्रेस हो गए, एवरीवन वाज इंप्रेस्ड. जो इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत डिफरेंट था पुंगी से, जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाना बहुत डिफरेंट था. आप खुद अगर कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि जो पुंगी था ना उसकी वॉइस बहुत श्रिल थी, अनप्रेजेंट थी, उतनी अच्छी साउंड नहीं थी, बहुत रीडेड नॉइज मेकर थी. लेकिन जब उन्होंने इस साउंड को बनाया, जब उन्होंने अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बनाया जो अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिया है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की है. मतलब कि भी बहुत टोटली बहुत डिफरेंट है, यानी कि एकदम आर पार भी नहीं है पुंगी की, पुंगी से बहुत डिफरेंट ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है. अब वो क्या करते हैं, अब उनको तो एक नया नाम इसको देना है. तो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, मतलब कि एक बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड एज शहनाई. जब स्टोरी जब आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाई थी, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को एक शाह की चैम्बर में, यानी कि एक शाह के पैलेस में, वहाँ पर उन्होंने इसको प्ले किया था. एंड जो प्ले करने वाला था वो एक नाई यानी कि एक बार्बर थी, तो बार्बर था, ठीक है. तो उन्होंने क्या बताया, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया शहनाई. नाउ द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नॉ बर्थ और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 instruments फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. अ क्रेडिट was used only in temples and wedding. So the credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. शहनाई को प्रेजेंट किया लोगों के सामने, तो लोगों को इस साउंड जो प्रोड्यूस होता है शहनाई से, वो लोगों को बहुत ऑस्पिशियस लगने लगा. ऑस्पिशियस का मतलब ये, लोगों को लगा कि ये जो साउंड सुनकर हमें प्रॉमिस हो जाएगा, मतलब कि हमें पक्का वादा है कि हमें गुड फॉर्चून मिलेगा.
एंड इसी रीज़न की वजह से लोग आज भी इसको टेम्पल्स में प्ले करते हैं एंड ये इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि मतलब कि इसके बिना जो काम है वो अधूरा है, यानी कि कोई से भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो गया टेम्पल्स में इसको आज भी प्ले किया जाता है, इसके बिना जो है काम हो ही नहीं सकता। अगर पास्ट की बात करें, जो पास्ट में जो शहनाई था ना वो नौबत का पार्ट था, नौबत का मतलब ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे उनके इस ये जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें पाया जाता था। एंड आज तक टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, एंड तब भी तो टेम्पल्स और वेडिंग्स में मोस्टली यूज़ होता है ये। जो क्रेडिट है फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड टिल रिसेंटली, यानी कि अगर बात करें तो वैसे तो पहले के समय में लोग इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही प्ले करते थे, मतलब ये रॉयल घराने में, रॉयल कास्ट में, बट नाउ इसका जो क्रेडिट होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल से यानी कि हर लोगों के पास इंट्रोड्यूस किया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played a gilli danda near a pond in the ancient state of Dumerao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bhiraji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of the which he would earn a big laddu weighing about 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. ना अब बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जब वो 5 साल के थे तो वो गिली डंडा खेलते रहते थे, एक पाउंड होता था वहाँ पर वो गिली डंडा खेलते थे। अब वहाँ पर एक एशियंट स्टेट था जिसका नाम दुमेराव था, अगर आपने बिहार में ये दुमेराव प्रेजेंट था। तो अब बात करें तो वो हमेशा ना नियर बाय मतलब कि उनके आसपास ही एक वहाँ पर टेंपल होता था जिसका नाम था बिहारी जी टेंपल, ठीक है। तो वहाँ पर वो जाते थे, वहाँ पर वो भोजपुरी चायता गाते थे, और जब जो चायता जब ख़त्म होता था तो उनको ना एक प्राइज़ दिया जाता था, विनिंग प्राइज़ कह सकते हैं, तो उनको एक बिग लड्डू दिया जाता था जो लगभग 1.25 kg का होता था। एंड ये जो प्राइज़ था उनको लोकल महाराजा उन्हें देते थे। एंड ये लगभग अभी से 80 साल पहले हुआ था ये काम। एंड ना अब जो लिटिल बॉय थे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं एंड एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीत चुके हैं इंडिया में, मतलब कि जो भारत रत्न है वो जीत चुके हैं। नाउ बोर्न इन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। हीज ग्रैंड फादर रसूल बुक्स खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगम्बर बुक्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब देखिए, तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो 21 मार्च 1916 में वो पैदा हुए थे। एंड जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब कि उनकी जो फैमिली थी ना लोग उनको बहुत जानते थे उनकी फैमिली को, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी म्यूजिशियन फैमिली थी वहाँ पर, मतलब कि वो बिहार से बिलोंग करते थे, उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन फैमिली थी, वहाँ पर लोग सब कुछ सब लोग जितने भी वहाँ के फैमिली में जितने भी लोग थे उनको म्यूज़िक बजाना आता था, ठीक है। वो बिहार से बिलोंग करते थे एंड उनके जो ग्रैंड फादर थे बिस्मिल्लाह खान के रसूल बुक्स खान वो शहनाई नवाज थे, भोजपुर जो किंग कोर्ट है ना वहाँ के शहनाई नवाज थे। एंड उनके जो पिता थे, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान के जो पिता थे जिनका नाम पैगंबर बक्स था, वो एक अदर पैंट्रल एंड अदर पैंट्रल एंसेस्टर विद ऑल्सो क्रिश्चियन प्लेयर। एंड और भी उनके जैसे कि बहुत से एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है ना जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पीछे पीछे आप जाते जाओगे तो आपको बहुत सारे एंसेस्टर्स मिलेंगे आपको, जो बहुत जो आपके दादा पर दादा बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पहले के टाइम पर जनरेशन में रह चुके हैं आपकी फैमिली से बिलोंग करते आ रहे हैं, तो उनको जो कहेंगे हम लोग एंसेस्टर्स, राइट। तो उनके बहुत सारे मतलब कि उनके जो कह सकते हैं ग्रैंड फादर, उनके फादर और बहुत सारे अलग अलग एंसेस्टर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। Now, the young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the shehnai. अब बात करिए, जो यंग बॉय यानी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने अपने बहुत अर्ली लाइफ में, यानी कि जब वो पैदा हुए थे मतलब 3 साल के जब वो थे, तब तो उनकी जो माँ थी उनको अपने अंकल के उन्हें उनके अंकल के हाउस को ले जाती थी, अंकल के घर ले जाती थी बनारस में जो बिलोंग था, बनारस को अब वाराणसी कहा जाता है, तो वहाँ पर वो ले जाते थे। तो जो बिस्मिल्लाह खान जो थे ना वो बहुत फैसिनेटेड, यानी कि बहुत उनको बहुत अच्छा लगता था देखने में, बहुत उनको कह सकते हैं फैशनेटेड फील करते थे, वो इंटरव्यूइंग फेस करते थे, उनको अच्छा लगता था अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, शहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए। जब जिस टाइम बिस्मिल्लाह खान जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कॉम्पनिंग हिज अंकल, मतलब बिस्मिल्लाह खान भी अब सीखने लग गए, मतलब वो अपने अंकल को बताते कि अब बहुत अच्छा बजाते हैं, तो उनके साथ साथ ही वो करने लग गए, मतलब बजाने लग गए। तो अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस विद द बर्क्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। नाउ अब जो अली बक्स थे वो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में थे, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, मतलब वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे कि अब वो शहनाई बजाने के लिए, जो अली बक्स थे वो शहनाई प्ले करते थे बिस्मिल्लाह के साथ, जो वहाँ पर जो अली बक्स थे उनको एक्सेस था
विष्णु टेम्पल में, बनारस की विष्णु टेम्पल में उनको एक्सेस था। तो जहाँ पर वो क्या करते थे, वहाँ पर इम्प्लॉय थे कि वहाँ शहनाई उन्हें बजाना है। तो जब अली बख्श वहाँ पर जाते थे शहनाई बजाने के लिए, तो वहाँ पर बिस्मिल्ला खान बैठ जाते थे एंड वो आवर्स यानी बहुत मतलब कि कह सकते आवर्स ऑफ आवर्स वो बैठ कर देखते रहते थे, मतलब कि चाहते थे कि वो एंड ही ना हो। ठीक, जब वो एंड होता था ना तब वो उठते थे वापस, लेकिन वो देखते ही रहते थे घंटों तक वहाँ पर वो बैठ के एडमायर करते रहते थे। स्लोली ही स्टार्ट गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उनको लेसन्स मिलते गए कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। एंड वो बैठ कर लिटरली पूरे दिन बैठ कर वो क्या करते थे, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी इन द मंगल अम्मया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग एप्रिसिएटेड फेवरेट हॉन्ट्स विद ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब बात करें तो वहाँ पर वो क्या करते थे, वहाँ पर जो टेम्पल था बालाजी का और मंगला मैया का, वहाँ पर वो बैठकर और जितनी भी गंगा वहाँ पर बहती थी ना, वहाँ पर वो बैठकर ना आराम से बैठकर वो प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब वहाँ पर जो गंगा जो वहाँ पर बहती रहती थी, उनको इंस्पायर करी थी वो गंगा कि और वो इम्प्रूव कर सके। नाउ At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayez Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब वो 14 साल के हुए थे तो बिस्मिल्लाह खान जो थे ना अपने अंकल को एकम्पनाइट करने के लिए, उनकी उनको सहारा देने के लिए कह सकते हैं, उनके साथ रहने के लिए वो अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। एंड जब वहाँ पर वो रिसाइटल ख़त्म करते हैं यानी कि बजाना ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर जो कि उस्ताद फयाज़ खान थे वो उनके पीछे का बैक होता है ना ऐसे पीठ सहलाना, उनको पीठ ऐसे थप्पा करते और बोलते कि तुम और हार्डवर्क करो एंड शैल तुम मतलब कि तुम पक्का उस चीज़ को पालोगे या तुम पक्का तुम और बेटर बन सकते हो। तो विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 एंड जब ऑल इंडिया रेडियो जब खुला था लखनऊ में 1938 में, तो जब बिस्मिल्लाह केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेज एंड उस टाइम पर बिस्मिल्लाह बिग ब्रेज नाम का एक कह सकते हैं रेडियो आता था, तो ही सुन ली के मैंने ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब उस समय से उनको क्या खिल गया, लोग उनको जानने लगे कि एक बहुत बेटर शहनाई प्लेयर है रेडियो पे। तो व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि स्टोरी में ना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई पूछा जाए आपसे क्वेश्चंस वगैरह में कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या की जो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर दो चीज़ें आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भारत रत्न मिला एंड सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ठीक है वो ये है कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को ग्रीट किया अपने शहनाई से, उन्होंने पूरे देश को ग्रीट किया था। तो ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू रग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रेस विद डेस्टिनी स्पीच। नाउ अब उन्होंने क्या कि रेड फोर्ट पर जाकर उन्होंने राग काफ़ी ठीक है ही हर्ट मतलब कि अपने जो शहनाई को उन्होंने बजाया पूरे उसमें दिल लगा दिया उन्होंने इस शहनाई को बजाने के लिए राग काफ़ी को, जहाँ पर उन्होंने रेड फोर्ट में उन्होंने बजाया था। एंड वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस थे इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। एंड बाद में जो उन पर वो एक फेमस स्पीच लिखते हैं ट्राइज फॉर डेस्टिनी स्पीच देते हैं। नाउ बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अबॉर्ड। ओके, जो बिस्मिल्लाह खान उन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया यानी कि इंडिया में भी और बाहर के देश में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कला की हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज टू टेकन बाय द मास्टरो दैट ही गिफ्टेड हिम अ प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। अब बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ की थी, अफगानिस्तान में की थी, जहाँ पर जो किंग जाहिर थे जो जाहिर शाह थे उन्होंने क्या किया था, उनको ले गए थे उन्होंने बहुत से मतलब वहाँ पर जब उन्होंने इस शहनाई को बजाया तो उन्होंने उन जो किंग जाहिर थे उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट्स दिए और बहुत सारे अलग अलग मेमोरेबल चीज़ें दी कि आप मतलब सोवेनियर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होती है जो मेमोरी के लिए रखी जाती है वो देते हैं एक पर्सन को ठीक है एक प्लेस का वहाँ पर वो देते हैं। तो जो किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। अब जो किंग जो थे मतलब कि जो किंग जाहिर थे वो एक लौते पर्सन ही थी जिन्होंने बहुत मतलब कि उनको बहुत अच्छा लगा बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक। वहाँ पे जो फिल्म मतलब कि अगर बात करें तो ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत फैसिनेट हुए थे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भाट वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंजुटी शहनाई। यहाँ पर जो एक विजय भाट
नाम के एक फिल्म डायरेक्टर थे, जब वो बिस्मिल्ला खान के म्यूज़िक को एक फेस्टिवल में सुनते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो अपनी फिल्म का नाम इंस्ट्रूमेंट के बाद यानी कि वो फिल्म का नाम रखते हैं गूंज उठी शहनाई। ये जो फिल्म थी वो बहुत हिट थी एंड इवन बिस्मिल्ला खान के कंपोजिशन में यानी कि जो सॉन्ग है जो बिस्मिल्ला खान ने एक और सॉन्ग बनाया था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, वो बहुत ज़्यादा नेशन वाइड यानी कि कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेकर था। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, एंड इवन इतनी ह्यूज सक्सेस के बावजूद भी फिल्म वर्ल्ड में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो ही सॉन्ग्स अपनी पूरी जिंदगी में की है। वो दो सॉन्ग्स के नाम थे, जो फर्स्ट सॉन्ग जो विजय भाट ने की थी वो गूंज उठी शहनाई थी, और दूसरा एक डायरेक्टर जिनका नाम विक्रम श्रीनिवास था, वो कनाडा वेंचर में उन्होंने एक नाम एक फिल्म के नाम जिसका नाम था सनादी अपन्ना, उसमें उन्होंने उसमें अपना सॉन्ग को कंपोज किया था। एंड इवन इतने ह्यूज सक्सेस के बावजूद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा देर काम नहीं किया क्योंकि उनको ये थोड़ा रिस्की लगता था। एंड बाय द वे यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस। यहाँ पर जो बिस्मिल्ला खान है वो बताते हैं कि जो पूरे मतलब कि जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मतलब कि कुछ भी आपको रियलिटी में नहीं दिखाया जाता, रियल नहीं दिखाया जाता, मतलब कि कोई कोई सेलिब्रिटीज़ पे फोकस होता है, सब कुछ फेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको रियल नहीं दिखाया जाता, जो इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता। ही सेज दिस थिंग अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इवन जो अवार्ड्स रिकॉग्निशन थे बिस्मिल्ला खान के लिए वो बहुत जल्दी आए और बहुत ज़्यादा अमाउंट उनके लिए आए, मतलब कि कह सकते उनको ह्यूज सक्सेस मिला। एंड इवन उनको क्या किया गया था, उनको लिंकन सेंटर हॉल में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्लेस्ड है वहाँ पर उनको बुलाया गया था। एंड ही इवन टुक द पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और इवन उन्होंने पूरे वर्ल्ड एक्सपोजिशन के बहुत सारे अलग अलग हॉल्स वगैरह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मॉन्ट्रियल इन द कैनज आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर में। सो वेल नोन ही डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन थेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। एंड इवन वो उनको लोग ना इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जाने लग गए, और एक ऑडिटोरियम था जो थेहरान में लोकेटेड था, तो उसके बाद उनका नाम रखा गया यानी कि उनका नाम रखा गया तहर मौसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। एंड इवन बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स आ गए जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण उनके नाम है। नाउ इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कन्वेटेड अवार्ड्स रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशंस, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। तो 2021 में जब उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि उनको भारत रत्न मिलता है तो वो उनके जो आइज होते हैं ना बहुत ग्लिंट करने लग जाते हैं, मतलब कह सकते हैं वो हैप्पीनेस उनकी वहाँ पर बहुत रेयर थी, उनको बहुत खुशी हो रही थी और उनको बहुत अच्छा पीस फील हो रहा था कि उनको इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। एंड वो बताते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं बस इतने कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी क्या करो म्यूज़िक सिखाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है यानी कि हिंदुस्तान का ये बहुत पुराना और बहुत अमीर वाला ट्रेडिशन है जो हमें लोगों को सिखाना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अपने बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाओ। एंड इवन वेस्ट यानी कि जो फॉरेन की कंट्रीज है वो भी इधर आ रहे हैं म्यूज़िक सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड हिज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस हिंदू मेरा एंड द रिमेन फॉर हेम फॉर द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पूरी दुनिया को घूम लेते हैं तब भी उनके लिखान साहब के लिए उनके लिए सबसे अच्छा बनारस और दुमेराव था उनके लिए, जो उनके हमेशा उनके पास रहता था और ये सबसे वंडरफुल टाउन था उनके ज़िंदगी का कह सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अपने मेमोरीज बनाई है, तो वो उनके लिए फेवरेट था, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में उनके लिए कोई भी ऐसा जगह नहीं था जो बनारस और दुमेराव की पीस को दे सके। नाउ अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA एंड अ स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दिस इज वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो एक समय की बात थी USA में जब वो थे तो एक टाइम पर एक बच्चा क्यों नहीं बोलता है कि आप क्यों नहीं यहाँ पर एक शहनाई स्कूल खोल लेते हैं, और वो बच्चा प्रॉमिस भी करता है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर बना देंगे यानी कि बहुत सारे टेंपल्स बना देंगे यहाँ पर। तो खान साहब वहाँ पर पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रिवर गंगा भी ला सकते हो,
तो वो बाद में जब इस बात को बोलने के बाद वो कुछ देर बाद रिमेम्बर करता है, मतलब जब ये टाइम बीत जाता है, जब ये मोमेंट हो जाता है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि एंड इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि मैं हमेशा चाहते रहता हूँ कि मैं क्या देखूँ, अपना हिंदुस्तान देखूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मथा ऑफ दुमेरा। तो बताते कि जब मैं अभी मुंबई में हूँ, जब मैं मुंबई में था तो मैं यहाँ पर बनारस को देखने के लिए और होली गंगा को देखने के लिए बहुत तरसता था। बनारस में आ जाते थे तो उनको मथा ऑफ दुमेराव देखने में बहुत, उनको चाहते थे कि वो दुमेराव मथा ऑफ दुमेराव भी देखे, पर जब वो बनारस में थे तो ना। अपन ना एक दे रखा है आपको पिंक लाइन में, ग्राफ में दे रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो लेट्स सी उसमें क्या लिखा है। शेखर गुप्ता, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? यहाँ पर मे बी एक इंटरव्यू दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक शेखर गुप्ता और बिस्मिल्ला खान के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर जब बोलते हैं शेखर गुप्ता कि जब पार्टीशन हो रहे थे, जब दोनों बट रहा था कंट्री, जब हमारा मतलब कि जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ, दोनों बट रहे थे, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए, आपकी फैमिली और आपके आप लोग पाकिस्तान जाने का क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने। तो यहाँ पर बिस्मिल्ला खान बोलते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। ना यहाँ पर क्या बताते हैं शेखर गुप्ता, जब पूछते हैं उनसे कि आप जब पार्टीशन हुआ था तो आप पाकिस्तान और आपकी फैमिली आप पाकिस्तान क्यों नहीं गई, आप और आपकी फैमिली, तो अब जब बिस्मिल्ला खान होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे क्या करे, गॉड मुझे माफ़ करे, मैं बनारस को छोड़ दूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ही सेड कभी नहीं। तो वो बताते हैं कि मैं एक बार पाकिस्तान गया था, मतलब एक बार मैंने क्या किया, बॉर्डर क्रॉस करके मैं पाकिस्तान गया, जस्ट मैं लोगों को कह सकूँ कि मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। एंड जब वहाँ पर मैंने एक घंटा वहाँ पर मैं जब खड़ा रहा तो मैंने क्या किया, जो पाकिस्तानी लोग थे उनको मैंने नमस्कार किया, और जो इंडियंस लोग थे मैंने उनको क्या किया, सलाम वालेकुम किया, आई हैड अ गुड लाफ, मतलब वो लोग वो हंसने लगे। नाउ उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो जिंदगी थी बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है एक रिच और एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की, कह सकते किस तरीके से आपने देखा कि वो कितने अच्छे तरीके से मतलब वो अपनी तो इंडिया के ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, एंड इवन वन ऑफ द एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई। देखो तो अब वो एक मुस्लिम थे, ठीक है, जब वो पैदा हुए थे तब से वो मुस्लिम थे, राइट, तो अब वो एक मुस्लिम होने के बाद बावजूद भी वो क्या करते थे, शहनाई को हर सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मोरिंग। यहाँ पर बताया गया कि जब उस्ताद बिस्मिल्ला खान जब 21 अगस्त 2006 को जब वो नहीं रहे तो जब वो उस साल उनकी जो उम्र थी वो 90 ईयर्स थी, एंड इवन रीज़न क्या था इनकी डेथ का, रीज़न ये था कि बहुत टाइम से उनको इलनेस थी, बीमारी कह सकते हैं, और उनको उनकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही थी उस टाइम पर, तो उसकी वजह से बहुत सालों से उनके साथ ऐसा हो रहा था, बहुत दिनों से उनके साथ हो रहा था, इस वजह से वो पास अवे हो गए, यानी कि ही डाइड, राइट। सो ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इवन उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब कह सकते हैं कि उनको बहुत अच्छे से उनको फ्यूनरल दिया गया, एंड इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थे उन्होंने क्या किया, एक डे डिक्लेयर कर दिया कि उस दिन लोग मतलब कि नेशनल मॉर्निंग आएंगे, जिस दिन जो देश है वो रोया, क्योंकि बिकॉज एक बहुत सबसे एक कल्चरल जो पर्सन थे वो नहीं रहे, जिन्होंने शहनाई को क्या किया, शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाया। एंड ना यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान खत्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दिस। हैव अ नाइस डे।